listen here. This is long time we meet. बहुत समय हो गया, काफी बीच में 3-4 दिन का व्यवधान आ गया, अब नहीं आएगा। हालांकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्या करूँ यार, मजबूरी थी वो। अब देखिए, वी हैव स्टडीड थ्री टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टुडे वी विल स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है ना, चार टेंस, तीन टेंस हमने प्रेजेंट के पढ़ ली, चौथा पढ़ना बाकी है। उसके साथ साथ मैंने कहा था कि पर डे में उसके पहले 30 ऐसे क्वेश्चन बोल चाल वाले, पहले 30 दिखा दिए थे, आज 30, कल 30, परसों 30, जब तक टेंस पढ़ेंगे 1000 सेंटेंस में कंप्लीट करा चुका हूंगा। ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये जब हम ग्रामर पढ़ते तब इस प्रकार वाले नहीं आएंगे, उसमें हम क्या है कि बड़े बड़े सेंटेंस या ग्रामेटिकल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहां पर चले लेट स्टार्ट कि इनको कैसे लिख सकते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ सभी वाक्य आप कभी कभी यूज करते हो, पर हिंदी में वो भी गलत तरीके से, हिंदी में भी इस वाक्य सही नहीं होते आपके, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। इंग्लिश में कई वाईफाई लोग होते, कुछ लोगों को इंग्लिश फोबिया होता है। इंग्लिश फोबिया किसे कहते पता आपको, जैसे कि जिनको अंग्रेजी बोलने का साइकोलॉजिकल रोग होता है। आती कुछ नहीं है, मेरे एक दो भाई पीछे बैठे हुए खाट में बैठा हुआ, उनसे एक तो इंग्लिश फोबिया, आई नहीं आई ठोको। मैं ये मानता हूं कि इंग्लिश फोबिया होना जरूरी है, पर उसके साथ साथ ये कि उसे सही ढंग से बोलना आना चाहिए। हम ये पहले थोड़े 10 मिनट हम टॉकिंग इंग्लिश पे बात करेंगे, फिर हम किस पे आ जाएंगे, हम अपनी औकात पे जल्दी आ जाएंगे। हाँ, मुझे वापस कॉल करना, क्या लिखते क्या बोलते तो इसे, कॉल मी बैक। आराम से जैसे किसी से फ्रेंड से बात करते हुए यार नाउ आई एम बिजी कॉल मी बैक, मैं अभी व्यस्त हूँ बाद में कॉल करना। और सिंपल लाइन है, कई बार ऐसा फोन आता है आप बात नहीं कर सकते हो, एक हाथ पे साबुन पकड़ा सर पे लगा, एक हाथ पे फोन है तो बात कैसे करोगे, तब क्या कहोगे, आई एम बिजी कॉल मी बैक, आई एम बाथिंग कॉल मी बैक, यही कहोगे। मैं नहीं समझता क्या होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसे टॉकिंग इंग्लिश में यू नहीं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू नहीं बोलते, टॉकिंग इंग्लिश में शब्दों को बहुत शॉर्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे देखने दो, लेट मी सी, जैसे क्या मामला है मुझे देखने दो, व्हाट इज द मैटर लेट मी सी, क्या मामला है मुझे देखने दो। ठीक है ना, मूर्ख मत बनो, क्या होगा, डोंट बी सिली, क्या होगा, डोंट बी सिली। ठीक है ना, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी सिली, क्योंकि ये बोलने में भी तो इंग्लिश अच्छी लगनी चाहिए ना। तो हम पीछे बैठे नालायक, तू कुर्सी लेके दूर जा, इसी गोदी में जाके बैठ गया है, बहुत देरी होगी, क्या बनाओगे, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, बहुत देरी होगी, प्लीज आई हैव टू गो नाउ, इट्स टू लेट फॉर मी, ऐसे ही बोलोगे इंग्लिश, जल्दी करो, क्या बोलोगे, फास्ट 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 क्यों नहीं बोलना है। ठीक है ना, हरी अप, क्या बोलोगे, हरी अप, कितने मूर्ख हो, क्या बोलोगे, हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड, कितने मूर्ख हो, जाग जाओ, बैकअप, गेटअप नहीं कहते, वो उठने के लिए नहीं बोल रहा है, वो जागने के लिए बोल रहा है। गेटअप तो जब कोई वाक्य लिखेंगे तब यूज करेंगे, बैकअप, एक पिक्चर भी आई थी बीच में, बैकअप सीन, जाग जाओ, इसके बारे में तैयार हो जाओ, बी बी रेडी, तैयार हो जाओ, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, वह दयालु है, ही इज काइंड, ऐसे बहुत सारे, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, वह विनम्र है, ही इज हम्बल, वह आज्ञाकारी है, ही इज ऑबीडियंट, वह मूर्ख है, ही इज स्टूपिड, वह स्वार्थी है, ही इज सेल्फिश, वह पढ़ा, वह इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है ना, ये कोई ऐसे कोई कई वाक्य हो सकते, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, शांत रहो, इसको कहते हैं ना क्लास में, इसे
इधर एक तो शांत रहो, देखो एक तो चुप रहो, दैट इज द साइलेंट, पर शांत रहो मतलब कि चुप रहने का मतलब तो बोलना बंद करना है, पर क्या करते हो कि जैसे वो कोई पीछे किसी के पैर घुमारा है, कोई किसी गोदी में बैठा है, तो वो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो शांत नहीं है, क्या होगा इसे शांत रहो, कीप काम, सी एल एम काम एल साइलेंट है, इसलिए कहते शांत रहो, मुझे ये कठिन लगा, क्या होगा I find it difficult. मुझे कठिन लगा, मैं डर गया, I am scared. ठीक है ना, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, आई एम स्केर्ड, वह अच्छा है, क्या होगा ही इज गुड, क्या यह तुम्हारा है, क्या यह तुम्हारा है, इज इट यूअर्स, क्या ये तुम्हारा है, क्या तुम पागल हो, हाँ ये तो आता है सबको, आर यू मैड, क्योंकि सब तुम पे जो वाक्य लागू होते हैं वो सब आपको आते हैं, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, यस आई एम मैड, इसे कहते हो वह साफ सुथरा है, ये एक लड़के को छोड़कर नहीं है जो सप्ताह में एक बार आता है उसके लिए किसी के लिए वाक्य नहीं है, ठीक है, ही इज नीट, खुद को नियंत्रित रखो, देखो ये ध्यान रखना कि मैं किसी को सांकेत मैं नाम लेके तो बोल नहीं सकता क्योंकि अगले की प्रतिष्ठा, क्योंकि मेरे खिलाफ कोर्ट में चला गया तो मेरी प्रतिष्ठा जो है ही नहीं वो भी दाग पे लग गई, ठीक है ना, अब ये कि मतलब जिसके बारे में संकेत करके बोल रहा हूँ उसके बच्चे के बच्चे भी होंगे तब भी YouTube पे चैनल वीडियो रहेंगे, ये कहेगा देख इस पढ़ाते हुए सर ने मेरे लिए कहा था कि मैं नाता नहीं था, खुद को नियंत्रित करो, खुद को नियंत्रित करो, क्या होगा कंट्रोल योर सेल्फ, इसे सही करो, क्या होगा करेक्टेड, क्या बी करेक्टेड, इसे सही करो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, वेरी गुड, आई लव यू, आई हेट यू, ये दो बाकी तो आएंगे आएंगे, आई हेट यू, क्या करे आज की पीढ़ी का यार, भोजन परोसो, क्या होगा सर्व द फूड, भोजन परोसो सर्व द फूड, चुप रहो, शट अप, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी, हाँ आई एम नॉट रेडी, मैं एक बात का ख्याल रखूंगा, मैं 30 दे के मैं उन वाक्यों को वापस दूंगा, 30 पहले कौन से लिए थे, 30 कौन से, ये जहां पर ये वाक्य यूज होते हैं वहां पर वो तुम हिंदी में नहीं बोलोगे, यदि जैसे कि आई एम नॉट रेडी, कोई मैंने कहा कि भाई तुमने उतार दिया जैसे कि काम कंप्लीट हो गया या कोई वाक्य से आ गए, जिसका जवाब इंग्लिश में आपको आता है वो आप हिंदी में बोलोगे तो फिर फाइन लगाएंगे अपन, जुर्माना, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे, ठीक है, अब क्या वॉट नाउ, अब क्या आगे, क्या वॉट नेक्स्ट, समझ आ रहा है, नहीं टॉकिंग इंग्लिश ऐसी होती है ना, क्या करना चाहिए बोलो, वॉट टू डू, क्या दोस्तों से कहते हैं आगे रास्ता बंद है, क्या करना चाहिए, वॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, मैं नहाना पसंद करता हूँ, ये बहुत ये यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, कंडीशन अप्लाई आता है ना, कंडीशन अप्लाई, ये वाक्य यहाँ बैठे किसी छात्र पे लागू नहीं होता, ठीक है, मैं नहाना पसंद करता हूँ, क्या होगा इसका I like to bath. अब ये सिर्फ ये देखो इस प्रकार के वाक्य सिर्फ इस पे लागू नहीं होते, जैसे मैं आम पसंद करता हूँ I like mango, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ I like to drink milk tea,
मैं ये करना पसंद करता हूँ, मैं ये करना पसंद करता हूँ, मैं किचन में कूदना पसंद करता हूँ, आप यू में जो आप कर सकते हो। देखिए टॉकिंग इंग्लिश सीमाओं से परे है, सीमाओं से परे मतलब कि आपके कंट्रोल से बाहर है, जहाँ नियम काम नहीं आते। और भाई ये जैसे कुछ वाक्य बोल जाए, जैसे तुम बोल जाओ शट अप, किसी को कह दो शट अप, मैं नहीं मानता तेरे इस पर टेस्ट का उपयोग नहीं किया, कोई अगला ये नहीं कहेगा, वो इतनी कहेगा कि वो तुम जैसे शट वो चुप रह जाएगा, वो ये नहीं कहेगा नहीं इस पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेगा तो मैं मानूंगा तब मैं चुप रहूंगा, अगला ये नहीं कहेगा, वो समझ जाएगा। तो ये टॉकिंग इंग्लिश तो ये सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। मैंने कहा दीवारों से बातें करो, यदि आप सही ढंग से बातें करोगे तो ये बेजान दीवारें भी क्या होती है, बोलती है, सुनने वाला चाहिए, रिप्लाई मिलता है, मान लो। देखो आप ये एक बात बताओ, यू नो अबाउट द एकलव्य, हु वाज द एकलव्य, एकलव्य इज द ओनली स्टूडेंट हु हैव नो एनी टीचर, वो एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जिसके टीचर नहीं था, पर जब वह धनुष विद्या सीख रहा था उस समय पांडवों के साथ द्रोणाचार्य जब जंगल से गुजरे तो कुत्ता भौंक रहा था, उसका दिमाग भंग हो रहा था, उसे तीर मारे और कुत्ते का पूरा मुंह तीर से भर दिया, वो तो कुत्ता दौड़ता हुआ द्रोणाचार्य के पास आया, द्रोणाचार्य देखते आश्चर्य पड़ गए, ये क्या ऐसा निशाना किसने लगाया है, तो अर्जुन ने कहा ये क्या, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, उसने कहा नहीं कर सकता है, जिसने भी निशाना लगाया इस प्रकार से लगाया है कि इस कुत्ते को चोट भी पहुंची है, धीरे धीरे सब तीर निकाल दिए, कुत्ते के मुंह में कोई खून नहीं, मतलब कि निशाना मारना बड़ी बात है पर इस प्रकार से निशाना मारना, देखने गए गुरु द्रोणाचार्य ऐसा कौन महान धनुर्धर पैदा हो गया, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, तब उसके पास गए, एकलव्य मजबूत था, एक भील बालक था, वो व्यस्त था बिल्कुल, उसने देखा कि कौन है तुम्हारा गुरु यू बालक, उसने कहा कि मेरे गुरु तो आप हो, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैंने तो तुझे कभी शिक्षा दी नहीं, तो उसने एक बात कही, शिक्षा देने के लिए जिंदा गुरु का होना जरूरी नहीं है, शिक्षा होने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है, मैंने पहले कहा था कि मुझ में जितना है वो इतना है कि मैं काफी उड़ेल सकता हूँ, पर आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना ले सकते हो, आप मुझसे सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने पात्र हैं। तो उसने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बनाई, बता इस तरह का ये मेरी मूर्ति द्रोणाचार्य की मूर्ति थी, रोज सुबह उठते इन्हें चरण स्पर्श करता था, इन्हें साक्षी मान के मैं तो शुरू हो जाता था। तो उसने सोचा कि देखो यार ये बिना गुरु के ऐसा सीख गया, पर इसका मतलब संसार का सबसे बड़ा धनुषधारी तो ये बन जाएगा, अर्जुन से वादा किया टूट जाएगा। उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो चलो मुझे दक्षिणा दे दो, और उसने कहा मांगो जो मांगना है। उसने कहा क्या कहा, उसने तुम्हारे दाहिने हाथ का क्या करो, अंगूठा काट के दे दो, दाहिने हाथ का अंगूठा चीर के काट के दे दिया, क्योंकि धनुषधर होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ किसका करता है, अंगूठे का करता है, उसने काट के दे दिया, क्षण के लिए भी नहीं सोचा। और तब से आपने देखा होगा जो भील होते हैं वो कभी भी सिर्फ 2 उंगलियों से तीर चलाते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि एकलव्य के अंगूठे नहीं था, फिर भी वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से एकलव्य लड़ा था और शहीद हुआ था, मतलब जीजी भी साथी, मतलब डिपेंड ये नहीं करता है कि आप जिंदा गुरु से सीखो, डिपेंड इस पे से करता है कि आप सीखते समय कितने जिंदा हो, मुर्दा क्या सीखेगा, जान है तो सीखोगे, तो आपको सबूत देना है कि आप जिंदा है तो सीख जाओगे, और यदि एक सब नहीं सीख पाए तो मैंने मान लिया था कि मैंने कुछ दिनों तक कुछ मुर्दों को पढ़ाया था, वट एवर भी मैं तो जिंदा था, मुर्दों को पढ़ा लिया, वो नहीं सीखे गलती उनकी थी। चलिए ये थे टॉकिंग इंग्लिश का मैटर, 20 पे 5 मिनट के लिए फिलोसोफी आ गई, बिना कविता कहानी के तो अपने कभी कुछ पूरा होता ही नहीं है। अब देखिए हमने 3 टेंस पढ़ चुके, कितने टेंस, 3 टेंस, चौथा हम और पढ़ लेते हैं, जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नियम थोड़े क्या होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। देखिए इसकी भी पहचान होती है, इसकी पहचान है रहा है, रही है, प्लस रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये तो पहले भी आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू में, बिल्कुल सही बात है, उसका भी निदान कर लेते हैं अपन थोड़ी देर में। एडवर्बियल इसमें पहचान, फॉर या सिंस,
किसका प्रयोग होता है? फोर या सिंस का। हाँ, अब इसमें एडवर्बियल है फोर या सिंस। अब ये फोर या सिंस का प्रयोग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका प्रयोग जैसे फोर का प्रयोग होता है, एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम अवधि और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों को समझ लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अवधि सूचक, फिक्स समय नहीं पता होता है। जैसे थ्री आवर, टू मंथ, जैसे टू ईयर, ये क्या है? जैसे तीन घंटे का, फोर थ्री आवर्स, आपको ये पता नहीं वो तीन घंटे कब के हैं, सुबह के, शाम के, कब के हैं। जैसे उसने कहा टू मंथ्स, दो महीने का, पर वो ये नहीं पता कि जनवरी है, फरवरी है, नवंबर या दिसंबर। टू इयर्स, साल कौन से, 1981 है, 1982 है, 1998, ये नहीं पता। तो इस प्रकार से समय आए जिसे कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, तो हमेशा किसका प्रयोग होता है? फोर का। किसका प्रयोग होगा इसमें? फोर का प्रयोग। और पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट समय हो, वहां किसका प्रयोग होता है? सिंस का। जैसे सिंस का, जैसे कि सिंस 2 o'clock, दो बजे से। अब दो बजे फिक्स समय है, एक के बाद दो बजती है, तीन के पहले दो बजती है। वैसा नहीं कि दो सुबह 8 बजे दो बज गई, सब नहीं होता है। दो बजे मतलब फिक्स टाइम इसका, इस जैसे सीन सा 2018, 2018 से 2018 फिक्स सत्र है, मतलब दो साल हो गया ही हो। या फिर सीन सा मॉर्निंग इवनिंग, इन सबके आगे क्या लगता है? या आफ्टरनून, इन सबके आगे सीन्स लगता है। क्यों? मॉर्निंग में ही होगी, शाम को सुबह नहीं होती, सुबह शाम नहीं होती है, उनका फिक्स समय, इसलिए इनके आगे क्या लगता है? सीन्स। तो पहली बात इसमें ये आना चाहिए कि किसके आगे फोर का प्रयोग होगा। जहां घंटे समय यूं आए तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग। जहां बजे आ जाए या तारीख आ जाए या साल आ जाए तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? सीन्स का प्रयोग। अब ये रूल वगैरह बताने के पहले दो तीन चीजें मैं आपको बता दूंगी। दो वाक्य देखिए, दो वाक्य हैं, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यू, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, मैं नहा रहा हूं, मैं एक घंटे से नहा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। व्हाट इज द डिफरेंस बोथ ऑफ टू सेंटेंसेस, क्या अंतर है? ना तो दोनों में रहा है। इसमें देखिए, दूसरे वाले वाक्य में एक निश्चित समय से काम शुरू हुआ है, इसमें नहा रहा है, पर बस नहा रहा है इतना बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि नहा रहा है। पर दूसरे वाले में एक निश्चित समय से काम शुरू हुआ है, अर्थात कि जब कोई काम एक निश्चित समय से शुरू होता है, जब कहा जाता है उस समय भी जारी रहता है, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यू। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरे वाक्य में क्या है? एक बताया कि एक निश्चित समय से काम हो रहा है, जब कहा जा रहा है तब भी काम हो रहा है, ठीक है। तो पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में अंतर। इसके रूल्स लिख देता हूं मैं, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल पे आएंगे। रूल्स देखिए इसके लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सिंस के साथ टाइम, इसमें टाइम जरूरी है, ठीक है। ये सबसे पहले प्रकार का, ये कौन सा होगा? अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, क्या कह सकते हैं इसको? सो सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव हो तो हैज या हैव क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है? तो हैज ए हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ यूं नहीं कि बिन को घसीट लो आगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है,
हैज हैव को आगे लाऊं, सब्जेक्ट वापस अपनी जगह, बाकी कोई बदलाव नहीं, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस कोरिया सिंस प्लस टाइम, ये किसका हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का। नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस फोर या सिंस प्लस ये टाइम, ठीक है। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड वाले नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं तो मैं फालतू कचरा इकट्ठा करता ही हूं। डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन तीन में। ये टेंस इंपोर्टेंट क्यों बताऊं? एक दो नंबर के क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक वाले चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें एक नंबर का ये जरूर आता है, बाकी में फोर या सिंस दे देगा, आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं किसके साथ हैज लगता है किसके साथ हैव, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें भी हैज या हैव का प्रयोग हो रहा है, हैज हैव का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर आपने देखा कि किसके साथ हैज लगता है किसके साथ हैव, वैसे यहां पर लगेगा, ठीक है। ये इसके रूल्स है, दो मिनट के लिए इसे बंद कर लेता हूं और वाक्य लिख लेता हूं। टेंथ सेंटेंस फॉर यू, देखो मेरा तो ऐसी भी है कि जिस समझने वाला तो एक ही सेंटेंस में समझ जाएगा, नहीं समझने वाले के लिए हजार भी बहुत कम पड़ते हैं, इसलिए मैं इसकी फिक्र करता भी नहीं, किसको समझ में आया किसको नहीं आया, कौन यूज कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब आपके सामने खड़ा होता हो तो परफेक्टली आपको पढ़ा लू, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे गांव में कई दिनों से बारिश हो रही है, तो बारिश वाला कोई भी वाक्य होता है या बर्फ वाला, तो लगभग इट से शुरू करते हैं, किससे करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मेरे गांव में कई दिनों से बारिश हो रही है, मेरा गांव सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, बारिश को तुम सब्जेक्ट बना दोगे काम कौन कर रहा है? बारिश को सब्जेक्ट बना दोगे तो फिर वर्ब क्या करोगे? क्योंकि बारिश को सब्जेक्ट बना दिया, रेन को सब्जेक्ट बना दिया तो वर्ब में उसे लिख नहीं पाओगे, रेन हैज बीन रेनिंग यू कर नहीं सकते हो, इसलिए वाक्य इट से शुरू होता है। तो इट सबसे पहले क्या, इट इसके साथ हैज लगेगा या हैव, हैज इट हैज के बाद इट हैज बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज फिर उसके साथ बीन फिर वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब क्या इसमें बारिश होने को रेन कहते हैं, रेन के साथ आईएनजी, इट हैज बीन रेनिंग कई दिनों से, तो कई दिनों के पहले फोर लगाऊं या सिंस नहीं बताऊ, बस इट हैज बीन रेनिंग कई दिनों से, दिनों के पहले फिक्स दिन नहीं बता रहा है, इसलिए क्या लगेगा, फोर मेनी डेज कई दिनों में गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज, ठीक है। कश्मीर में एक सप्ताह से बर्फ गिर रही है, इसमें भी बर्फ गिर रही है तो बर्फ पर दो बार, एक बार सब्जेक्ट और वर्ब ले नहीं सकते, तो बर्फ वाला वाक्य भी इट से लेना चाहिए, बढ़िया बनता है। इट हैज बीन, काम क्या हो रहा है, बर्फ गिरना होगा स्नो, स्नो का स्नोइंग, इट हैज बीन स्नोइंग कब से हो रही है, एक सप्ताह से, तो फोर लगाओ या सिक्स लगाओ, कौन सा सप्ताह नहीं बताए, फोर ही लगेगा, फोर वन वीक कहाँ हो रही है, कश्मीर, इन कश्मीर, ठीक है। हम आतंकवाद से 50 सालों से लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पर जब आ गया कि 50 सालों से लड़ रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो हम के लिए वी के साथ क्या लगेगा, have been, ये गुण निकला ए, कोई सोच वो हाथ पाद भी बता, हम आतंकवाद से 50 सालों से लड़ रहे हैं, वी हैव बीन, काम क्या हो रहा है, लड़ना, लड़ने को आगे हैं फाइट, वी हैव बीन फाइटिंग अगेनेस्ट का मतलब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे, इसलिए अपने अगेनेस्ट टेररिज्म कितने सालों से, 50 सालों से,
तो क्या होगा फोर फिफ्टी ईयर्स। देखो 50 साल कौन से 50 साल फिक्स टाइम है क्या? 50 साल मैंने कह दिया, अब ये 1947 से गिनोगे 1950 से गिनोगे ये कोई फिक्स है क्या? वो तो 50 साल कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉट ए फिक्स, सो वी विल यूज द फोर ओनली, ठीक है नॉट ए सिक्स। बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा द बेबी, बेबी के साथ हैज लगाओ या है सिंगुलर है, बेबी हैज बीन, इन दो चार लोगों को तो राहुल अटैक आ जाएगा यार, ये ऐसे दौड़ेगा तो इसको अंदर ले लेना। हाँ साइलेंट, द बेबी हैज बीन, काम क्या हो रहा है रोना, रोने को क्या कहते हैं वीपिंग, बेबी हैज बीन वीपिंग, सुबह से रो रहा है, क्या आएगा सिंस मॉर्निंग। वह इस कारखाने में 2018 से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग, काम करने को क्या कहते हैं वर्क, ही हैज बीन वर्किंग, कहाँ कर रहा है इस कारखाने में, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इसमें फोर ए लगा हुआ सिंस 2018 फिक्स समय है, तो सिंस 2018। मेरी माँ कई दिनों से मेरा इंतजार कर रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मेरी माँ, तो माई मदर, मदर के साथ क्या लगेगा हैज बीन, माई मदर हैज बीन, काम क्या हो रहा है इंतजार कर लू, क्या कहते हैं वेटिंग, वेट, वेट का वेटिंग, माई मदर हैज बीन वेटिंग, कई दिनों से इंतजार कर रहा है, कई दिनों से, तो कई दिनों के लिए फोर मैनी डीज, ठीक है। विद्यार्थी दो घंटे से परीक्षा दे रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट हैज लगाओ या हैव, क्योंकि स्टूडेंट्स इज ए प्लूरल, तो स्टूडेंट्स हैव बीन गिविंग एग्जामिनेशन, दे रहे हैं तो क्या होगा गिविंग, क्या दे रहे हैं परीक्षा, तो ऑब्जेक्ट परीक्षा, गिविंग एग्जामिनेशन दो घंटे से, तो क्या होगा फोर टू आवर्स। यदि यहां होता कि दो बजे से परीक्षा दे रहे हैं तो सिंस टू ओ क्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना, हम गरीबी से 70 सालों से लड़ रहे हैं, तो क्या होगा वी आर फाइटिंग, सॉरी वी हैव बीन फाइटिंग, किससे लड़ रहे हो गरीबी से, आते नहीं, ही हैव बीन फाइटिंग विथ पॉवर्टी, गरीबों क्या कहते हैं पॉवर्टी, 70 सालों से लड़ रहे, फोर लगाओ या सिंस फोर, क्योंकि कौन से 70 साल ये बता दी, फोर 70 ईयर्स, वह कई सालों से मेरी मदद कर रहा है, तो वह के लिए ही के साथ क्या लगेगा ही हैज बीन, काम क्या हो रहा है मदद करना, मस्ती मत करो दोनों, ही हैज बीन मदद करने को हेल्प, हेल्प का हेल्पिंग, ही हैज बीन हेल्पिंग, किसकी मदद कर रहा है मेरी, ही हैज बीन हेल्पिंग मी फॉर कई सालों से, तो फॉर मैनी ईयर, मेरा भाई 2 बजे से टीवी देख रहा है, तो क्या होगा माई ब्रदर हैज बीन, क्या कर रहा है टीवी देखने को क्या कहते हैं देखना, वॉच, देखो ध्यान रखना कि एक तो सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं, देखो सी या लुक का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आप यहाँ खड़े हो अचानक वहां से गाड़ी चली गई, आपकी आंखें थी इसलिए आपने देख लिया, दैट इज द सी और लुक, पर वॉच जिसे घड़ी में देखा तो वहां वॉच होगा क्योंकि ध्यान से देखा होगा, किताब पढ़ते हो, हालांकि किताब पढ़ते हो तो वॉच का इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि उसमें तो आपको दिखते तो कुछ है ही नहीं, तो आंखें इसलिए देख लेते हो, ध्यान से पढ़ो तो वॉच भी कहो, पर चलो मान लेते कि किताब पढ़े तो उसे क्या कहते हैं वॉच, टीवी देखना वॉच, ध्यान से देखते हो, ठीक है ना, तो
ही हैज बीन माई ब्रदर हैज बीन वॉचिंग, क्या देख रहा है, वॉचिंग टेलीविजन, कब से देख रहा है, 2 बजे से, तो क्या लगाऊं, सिंस 2 o के ऊपर भी डॉट लगाते हैं, देखो 2 o क्लॉक, बजे आए तो क्लॉक और घंटे आए तो ओवर। तो देखिए वी हैव कंप्लीटेड द 4 टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब देखिए व्हाट द नेक्स्ट, आगे क्या आगे, ये हम क्या करेंगे अब कल से, कल का दिन में क्या करूंगा कि चारों टेंस को मिक्स कर दूंगा, या आते ही सबसे पहले मैं तो चारों टेंस के पहले तो अपने 30 सेंटेंस वो लिखेंगे टॉकिंग इंग्लिश वाले, फिर चारों टेंस के क्या करूंगा मैं वाक्य बेगे कर दूंगा इकट्ठे, ओके, इकट्ठे करने के बाद पहले तो मैं आपसे करवाऊंगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि आप कहां का राउंड अप हो रहे हो, गोलमोल घूम रहे हो, वो जैसे ही पता चले हाँ तुम्हारे बीच में कहा बैरियर बन रहे चारों के बीच में। दूसरा ये कि चारों टेंस जो है उसके एग्जाम में कैसे पूछता है वो एक्सरसाइज एक एक कराऊंगा, एक एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपके दिमाग में चीजें क्या हो जाएगी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसलिए कल ये टेंस, इसके अलावा जो बाकी 3 टेंस जो कि ब्रेन वॉश हो गए जिसके ऊपर मिट्टी जम गई है, वापस क्या करना, एक अच्छा पत्थर लेना, रगड़ रगड़ उस मिट्टी को क्या कर देना, हटा देना, ताकि वो पुराने टेंस भी आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसे उतार कर ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उतार कर यदि आज ही कर दिया उतार कर तो मुझे वापस क्या करना, आप होमवर्क करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है, चलिए।